क्लास, वेलकम बैक टू लर्नर्स पैराडाइज। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और अपने अपने रिस्पेक्टिव एग्जामिनेशंस की जो है वो तैयारी कर रहे होंगे, और आपकी आई होप तैयारी भी बढ़िया चल रही होगी। भाई, आपकी तैयारी को थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए आज की इस वीडियो में जो हम हैं, इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, इस क्वेश्चन को देखेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे में जो है वो कैसे किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये है कि भाई, द एवरेज ऑफ 7, 11, 15, x, 14 and 21 and 25 is 15। बॉस ये कह रहा है कि हमें जो एवरेज दे रखी है 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25, इनकी एक एवरेज दे रखी है 15, और जिसमें हमसे वैल्यू पूछी गई है x की वैल्यू जो है वो क्या होगी। चार ऑप्शंस हमें प्रोवाइडेड है भाई। अभी देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन को बेस्ट पॉसिबल वे में कैसे किया जा सकता है। बॉस देखिए, जब भी हम एवरेज की बात करते हैं ना, एवरेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एवरेज का कंसेप्ट का नाम है डेविएशन, नेट डेविएशन, राइट। अब देखिए कि जो करेक्ट एवरेज है जो हमें एग्जामिनर ने दे रखी है कितनी, 15। भाई जो करेक्ट एवरेज है ना, करेक्ट एवरेज की रिस्पेक्ट में हमेशा नेट डेविएशन क्या होती है, 0। देखिए डेविएशन इस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। बॉस देखो, हमारे पास जो ऑप्शंस थी, एक थी 7, 11, 15, x, 14, 21 और 25, और इन सभी ऑब्जर्वेशंस का जो एवरेज दे रखा था वो कितना था, 15। अब समझिए, एवरेज कब आता है? एवरेज तब आता है जब हम डाटा को क्या कर देते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट। सभी ऑब्जर्वेशंस से जब हम डाटा को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो जो फिगर निकल के आएगी उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज। जो हमें गिवन है कितनी, 15। तो बॉस ये करेक्ट एवरेज है। इस एवरेज की रिस्पेक्ट में हम देखते हैं कि कौन सी टर्म्स एवरेज से ज्यादा हैं और कौन सी टर्म्स एवरेज से कम हैं। फिर हम नेट डेविएशन का कांसेप्ट देखेंगे। बॉस देखो, अब एवरेज कितनी है, 15। अब 15 की रिस्पेक्ट में 7 देखा जाए तो ये कम है या ज्यादा है? आई होप सभी देख पा रहे हैं कितना होगा, ये कम है कितना, 8। अगर कम है तो हम इसे माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, अगर ज्यादा होगा तो उसे हम प्लस में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए अब अगली ऑब्जर्वेशन क्या है भाई, 11, बट हमारे पास एवरेज क्या है, 15। अब 11 जो है वो 15 से ज्यादा है या कम है, कम है। कितना कम है, 4, तो उसे हम क्या लिखेंगे, -4। अगली ऑब्जर्वेशन बॉस हमारे पास क्या आ गई, 15 के बराबर है, तो यहां से कुछ ज्यादा नहीं कुछ कम नहीं, इसे हम क्या कह देंगे, 0। अगली वैल्यू थी x जो हमने कैलकुलेट करनी थी, उससे अगली ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो ये जो 14 है एवरेज से ज्यादा है या कम है, कम है भाई। कितना, 1, तो इसे रिप्रेजेंट करेंगे -1। अगली वैल्यू आ गई 21, क्या ये एवरेज से ज्यादा है या कम है, ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 6, तो इसे हमने लिख दिया +6। अगली वैल्यू है 25, एवरेज से ज्यादा है कितनी, 10, तो इसे क्या लिख दिया, प्लस। अब देखिए कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो एवरेज से ज्यादा है और कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसी हैं जो एवरेज से कम है। हम देखते हैं कि जो ज्यादा है वो कितनी ज्यादा है। देखिए ये ऑब्जर्वेशन 10 ज्यादा थी, ये 6 ज्यादा थी, तो ओवरऑल इसे हम कहते हैं सरप्लस। सरप्लस माने एक्स्ट्रा, तो हमारे पास सरप्लस आया कितने का, 16 का, 10 का यहां से, 6 का यहां से, बट हमें लॉस हुआ या हम क्या कह सकते हैं, डेफिसिट। जो माइनस की टर्म्स हैं, लाइक दिस वन एंड दिस वन, इसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट। और 8 रुपए का माइनस यहां है, 4 का माइनस यहां है, 1 का माइनस यहां है, तो 8, 4, 12 और 1, 13। तो बस देखिए कि 16 का हमें सरप्लस आया और 13 का हमें डेफिसिट आया, तो ओवरऑल हमें क्या आया। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि हमें 16 रुपए का प्रॉफिट आया और 13 रुपए का लॉस हुआ, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ बस, कितना रुपए, 3 रुपए। बट सर समझिए, अब जो नेट डेविएशन है इसे हम कहते हैं नेट डेविएशन, इसे हम क्या कहते हैं, नेट डेविएशन। अब नेट डेविएशन हमारी यहां पे आई कितनी, +3, पर जो करेक्ट एवरेज है जो कितनी है, 15, इसके रिस्पेक्ट में हमेशा नेट डेविएशन क्या होती है, 0। तो समझिए, अगर ये +3 है, मतलब आपको 3 रुपए का प्रॉफिट है, बट यू वांट कि आपको 0 रुपीस का प्रॉफिट रहे, तो आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन है एक्स, एक्स को क्या होना पड़ेगा, अगर ये +3 है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा, -3। अब सर समझिए, ये -3 है, -3 का मतलब ये एवरेज की रिस्पेक्ट में 3 क्या होगा, कम। अगर ये 15 है, 15 में से 3 गया, तो एक्स की वैल्यू सिंपली हमारे यहां पे क्या आ जाएगी, 12। चार ऑप्शन थी, 3, 14.5, 12, 13.3, हमारा आंसर क्या आ जाएगा भाई, 12। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू डू दिस क्वेश्चन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा।
समझिए, ऐसे छोटी छोटी क्लिप्स जो है वो आपके लिए लाते रहेंगे ताकि वो थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलता रहे आपकी प्रिपरेशन। अगर बढ़िया लगे तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब।